हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे मसूर दाल, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। तो आप इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हम मसूर दाल को अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। धोने के बाद इसे हम कुकर में डाल देंगे। सभी दाल को हम कुकर में डाल देंगे। डालने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर हम एक छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम एक टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हम छोटे टुकड़ों में काट करके डाल देंगे। टमाटर को डालने के बाद हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम इसे 2 सीटी लगने तक मसूर दाल को पका लेंगे। यहाँ पर हम हाई फ्लेम पर 2 सीटी लगने तक पका लेंगे। 2 सीटी लगने के बाद हम गैस को बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद यहाँ पर सीटी भी निकल गया है, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, दाल जो है गल चुका है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे। उसके बाद हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे दाल को। दूसरे बर्तन में निकालने के बाद हम इसे तड़का लगा देंगे। तो दाल में तड़का लगाने के लिए हम यहाँ पर कलछी गरम कर लिए हैं। कलछी गरम करने के बाद इसमें हम डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल डालने के बाद इसमें हम एक छोटे चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद यहाँ पर हमने 2 से 3 लहसुन के कलियाँ को छील करके छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे हम डाल देंगे। और एक छोटे से प्याज को हम बारीक काट लिए हैं, इसे भी डाल देंगे। डाल करके हम अच्छे से पकने देंगे। हल्का कलर चेंज होने तक पकने देंगे प्याज और लहसुन को। पकने के बाद इसमें हम सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। सूखी लाल मिर्च डालने के बाद हम अच्छे से सभी को पकने के बाद, जलने के बाद इसको हम तड़का लगा देंगे दाल में। तो यहाँ पर हम दाल में तड़का लगा देंगे। तड़का लगाने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद ये हमारा तैयार हो गया है। सिंपल और आसान तरीके से बन के मसूर दाल का रेसिपी। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।